हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के रिवीजन क्लास की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे लिए हमारी जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा इस टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट है पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थल को अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आगे की सोचता है, तो कोई पर्सन जो फ्यूचर की सोच के चलता है उसको बोलते हैं अग्रसोची, ठीक है। अग्र मतलब आगे, सोची मतलब सोचना, आगे की सोच के चलना। नेक्स्ट है जो कभी नहीं मरता। फ्रेंड, जो कभी नहीं मरता यानी कि अमर होता है, तो इसको बोलेंगे हम अमरत्य। और अगर अमर भी आ सकता है तो हम यहाँ भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके गिवन है, नहीं तो आप अमरत्य ही लिखिएगा। नेक्स्ट है जो दिखाई ना पड़े। तो फ्रेंड्स, जो दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य। कहते हैं ना, वो चीज अदृश्य हमें दिखाई नहीं देती, भगवान अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, ठीक है, हमें बस अपने मन की आंखों से देखना होता है, तो वहां पर अदृश्य यूज होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जाना जा सके एक आता है इसमें, जो इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसको बोलते हैं जीतेंद्रिय, ठीक है। तो इसमें है अगोचर और अतींद्रिय, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। जो सबके अंतःकरण यानी कि अंदर की बात जानने वाला, उसको बोलते हैं अंतर्यामी, ठीक है। जो खाया ना जा सके, अखाद्य, और जो खाया जा सके उसको बोलते हैं खाद्य। जैसे बोलते हैं ना, खाने योग्य वस्तु, तो उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है जिसके टुकड़े ना हो सके। तो फ्रेंड्स, वो होता है अखंड, ठीक है। खंड मतलब टुकड़े हो सके, और जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड है, और जिसके टुकड़े हो जाए वो खंड है। नेक्स्ट है जो मानव के योग्य ना हो, तो उसको बोलते हैं अमानवीय या फिर अमानुषिक। नेक्स्ट है जिसका अंत ना हो। तो फ्रेंड, जिसका अंत नहीं होता वो होता है अनंत। उसके बाद है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अद्वितीय। कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो अद्वितीय है, इसके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है अद्वितीय। नेक्स्ट है जिसमें की उपमा ना हो, तो उसको बोलते हैं अनुपम या अनुपमा। स्त्री के लिए अनुपमा और पुरुष के लिए अनुपम, ठीक है। उसके आगे अब यहाँ आते हैं हम, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा नहीं की गई हो तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय। नेक्स्ट है अनुसरण करने योग्य। तो फ्रेंड्स, सेम वही है, अनुसरण करने योग्य, अनुसरणीय। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। तो फ्रेंड्स, अवसर के अनुरूप जो बदल जाता है उसको बोलते हैं अवसरवादी। नेक्स्ट है बिना वेतन काम करने वाला, यानी कि कोई व्यक्ति जो बिना वेतन काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो फ्रेंड, जिसके आने की तिथि नहीं होती वो कौन होते हैं? अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट है जो कभी नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, तो उसको बोलते हैं अज्ञानी। नेक्स्ट है जो किसी पर अभियोग लगाए, तो उसको बोलते हैं अभियोगी, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका कभी अंत ना होने वाला हो। तो फ्रेंड, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो कहता है अविनाशी, ठीक है, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो अवश्य होने वाला हो। तो फ्रेंड्स, अवश्य होने वाली चीज को बोलते हैं अवश्यम, अवश्यम भावी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूर्योदय से पूर्व का समय। तो फ्रेंड्स, सूर्योदय से पूर्व का समय कहलाता है अरुणोदय। नेक्स्ट है अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। तो फ्रेंड, जब हम किसी बात को अधिक बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है अन्य भाषा में परिणति। तो फ्रेंड्स, अन्य भाषा में परिणति होता है अनुवाद करना या रूपांतरण करना, यानी कि किसी भाषा में एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। नेक्स्ट है आश्रय देने वाला। तो फ्रेंड्स, आश्रय देने वाला कहलाता है आश्रयदाता। उसके बाद है जांघों घुटनों तक भुजाओं वाला, तो वो है अजानुबाहु, जो कि हमारे भगवान श्री राम थे, ठीक है। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो तो वो कहलाता है अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ना दी जा सके, ये भी आ सकता है, ठीक है। जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उसको बोलते हैं अनुयायी या फिर अनुचर। उसके बाद है जिसका शत्रु ना जन्मा हो, यानी कि जिसका शत्रु ना हो, अजात शत्रु।
जिसके पास कुछ ना हो, तो फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं हो उसको बोलते हैं अकिंचन। उसके बाद है जो अभी तक ना आया हो उसको बोलते हैं अनागत, ठीक है, अभी तक वो आया ही नहीं है। उसके बाद है जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, यानी कि ऐसी वस्तु जो दूसरों के यहाँ रखी है उसको कहते हैं अमानत या धरोहर, कहते हैं ना ये मेरी अमानत है आप संभाल के रखिएगा, यानी कि वो दूसरे के यहाँ रखी हुई है। फिर है जिसे बुलाया ना गया हो, तो फ्रेंड्स जिसको बुलाया नहीं गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। इसके बाद आते हैं जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त कहलाता है, और जो अभियोग लगाता है उसे बोलते हैं अभियोगी। उसके बाद है जो ईश्वर को मानता हो, तो फ्रेंड जो ईश्वर को मानता है उसे बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको बोलते हैं नास्तिक। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। जब हम किसी के ऊपर लिखते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन जब हम खुद के ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं आत्मकथा, जिसको इंग्लिश में भी बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। और दूसरे के ऊपर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है आशा से अधिक, यानी किसी चीज को आशा से अधिक सोचना तो वो होता है आशातीत। आदि से अंत तक, यानी कि आद्यांत। नेक्स्ट है आकाश में उड़ने वाला, तो फ्रेंड्स आकाश में उड़ने वाले को कहा जाता है आकाशचारी, यानी कि आकाश में भ्रमण करने वाला। जो अपनी हत्या आप करे, तो फ्रेंड्स जो अपनी हत्या आप करे का मतलब जो अपने आप अपनी हत्या करे उसको बोलते हैं आत्मघाती। नेक्स्ट है सिर से पैर तक, तो उसको बोलते हैं अपाद मस्तक। अपाद मस्तक यानी कि पाद का मतलब फ्रेंड्स चरण से होता है, पैर से होता है, और मस्तक होता है हमारा सर, तो यहाँ पर है अपाद मस्तक। नेक्स्ट है इंद्रियों से परे, यानी कि इंद्रियातीत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उदार मन से सब कुछ देता है उसको बोलते हैं उदार मना, ठीक है, मन आ गया, ठीक है। जो ऊपर कहा गया हो, अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें लिखा होता है उपर्युक्त वाक्य, ठीक है, तो यानी कि उपर्युक्त जो ऊपर कहा गया हो उसके अकॉर्डिंग। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला कहलाता है उत्तराधिकारी। जैसे कि कोई फोर फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनके बच्चों को कोई भी चीज मिलती है, जो जायदाद होती है वो मिलती है, तो उसको बोलते हैं कि अब ये इस चीज का, इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो यानी कि अब वो चीज उसकी हो जाएगी, ठीक है, वो उसका स्थान ले लेगा, तो वो कहलाता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट आते हैं उपहास के योग्य, तो फ्रेंड्स उपहास के योग्य कहलाता है उपहास मत। नेक्स्ट है अरुणोदय से पूर्व का समय, तो वो कहलाता है उषाकाल, ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट है जिसका चित्र एक ही विषय में लगा हो, एकाग्रचित, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता है, सिर्फ वही चीज का ध्यान रखता है, तो वो कहलाता है एकाग्रचित। यानी कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमसे भी कहा जाता है कि आप एकाग्र चित्र होके पढ़िए, यानी कि सिर्फ उसी में मन लगाइए, आपके आसपास क्या हो रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, तो ठीक है, एक ही विषय पर अपना पूरा का पूरा चित्त लगाना या मन लगाना। नेक्स्ट है जो निजी पुत्र हो, यानी कि माँ के पेट से उत्पन्न, यानी कि जो खुद का पुत्र जिसको खुद ने जन्मा है वो कहलाता है औरस। नेक्स्ट है जो कल्पना से परे हो, तो होता है कल्पनातीत। उसके बाद है जो कम खर्च करने वाला हो, यानी कि जो कम खर्च करते हैं उसको कंजूस बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं मानती कि वो कंजूस होते हैं, वो होते हैं मितव्ययी, यानी कि वो ये सोच के चलते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग वो खर्च करते हैं, ठीक है, कम खर्च करते हैं। क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आज आपके पास पैसे हैं लेकिन आज आपने बहुत खर्च कर दिए और फ्यूचर में आपको उन पैसों की जरूरत है तो आपके पास होना, तो मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि जो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए अपने पैसे जमा करके रखने चाहिए, ना कि ये कि आज आपके पास पैसे हैं और उसे खर्च कर दिया जाए। नेक्स्ट है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो उसको बोलते हैं कुलीन। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला तो होता है कामरूप। कामरूप जो थे ये वो किसी अपनी इच्छा से किसी का भी रूप धारण कर लेते थे, ठीक है। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, तो उसको बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यम विमूढ़, ठीक है। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी, ठीक है। भगवान कृष्ण ने पहाड़ को धारण किया था अपनी छोटी उंगली पे, उनको भी ये नाम दिया जाता है गिरधारी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है जो बात छिपाई जाए उसको बोलते हैं गोपनीय, जो घृणा के योग्य हो घृणित कहा जाता है उसको, जो सदा से चला आ रहा हो यानी कि जो पुराना पुराना चला आ रहा होता है, यानी कि हम कहते हैं ना जो बहुत पहले से चला आ रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता, यही तौर तरीके होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता, तो उनको बोला जाता है शाश्वत या फिर चिरंतन, यानी कि पुराने से चला आ रहा है यही कस्टम है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है शाश्वत है। जिसके चार पद यानी पैर हों, तो चौपाया उसको बोला जाता है। जल थल दोनों जगह रहने वाला जल भूमि है या फिर उभयचर भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आपको ये यहाँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।